इकराम वज़ीर आज़म नासिर उल मुल्क पर सब मुत्तफिक। पाक भारत डीसीएमओ का राबता सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक। आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत और कौंसिल के माबैन इख्तियारात के मामलात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं शफ़क़े हिराओ। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरुख फताही। अस्सलाम वालेकुम फरुख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आपने देखी, आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि डिस्कस होंगे आज के शो में। आप हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट करती हूँ। टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन आखिरकार बारिश हो गई है, जैसे फरूख कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि बारिश हो जाए तो आखिरकार बारिश होगी। और नाज़रीन निगरान वज़ीरे आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क के नाम पर ना सिर्फ ये कि हुकूमत और अपोजिशन हमें मुत्तफिक नजर आई, यानी कि हुकूमत से मुराद है जो कि इस वक्त हुकूमत है वज़ीरे आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब और इसके साथ जो है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब, बल्कि इसके अलावा जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज हैं उन सब ने भी इनके नाम पर इत्तफाक किया है। लग ऐसा रहा था कि शायद नाम पर इत्तफाक नहीं हो पाएगा, और इसके अलावा कुछ और नाम थे जो ज्यादा गर्दिश में थे, जिनके बारे में ज्यादा सुनाई दे रहा था कि शायद उन नामों में से कोई एक ऐसा नाम होगा जो कि जो है बतौर निगरान वज़ीरे आज़म जो है वो नामजद हो पाएगा, जिस पर इत्तफाक हो पाएगा। जिलानी जो है उन नामों में ज्यादा जो है हमें गर्दिश करते हुए नजर आ रहे थे, सुनाई देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार नासिर मुल्क साहब के नाम पर जो है ना सिर्फ ये कि वज़ीरे आज़म शाहिद खान अब्बासी, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब, बल्कि इसके अलावा बाकी पोलिटिकल पार्टीज ने भी ना सिर्फ ये कि रजामंदी का इजहार किया है बल्कि इसको काफी खुश आइन भी करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तीन लोगों ने मुश्तरका तौर पर, जिसमें वज़ीरे आज़म साहब शामिल थे, खुर्शीद शाह साहब शामिल थे, और इसके अलावा स्पीकर अयाज सादिक साहब भी शामिल थे। और स्पीकर अयाज सादिक साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि उनका काफी रोल रहा है और उन्होंने काफी ज्यादा जो है रोल भी प्ले किया है इस हवाले से। नासिर मुल्क साहब के हवाले से बात की जाए नाज़रीन तो ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, इसके अलावा जो है ये वो चीफ जस्टिस रहे हैं जिन पर अभी भी कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इनका नाम ऐसा है जो कि सबके लिए काबिले कबूल है। पीटीआई ने भी इस नाम पर जो है काफी रजामंदी का इजहार किया है, और लग ऐसा रहा है कि जैसे ये नाम जो है ये आगे चलकर जो है सबके लिए ही खुशाइंदी साबित होगा और इस पर कोई भी जो इतराजात हैं वो नहीं उठ पाएंगे। नासिरुल मुल्क साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जब तक मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है तब तक वो तबसरा नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, इस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर सूबाई सतह पर बात की जाए नाज़रीन तो सिर्फ एक पंजाब ऐसा था जहां हमें लग रहा था कि इत्तफाक हो गया है। अगर बात की जाए सुबह सिंध की या केपीके की या फिर बात की जाए बलूचिस्तान की तो वहां पर हमें अभी तक इत्तफाक नजर नहीं आया, लेकिन हैरानकुन तौर पर पंजाब में जहां पे एक तरफ पीएमएलएन की हुकूमत है और दूसरी तरफ अपोजिशन पीटीआई है, और वहां पर हमें इत्तफाक नजर आया, और इत्तफाक नजर आया नासिर खोसा साहब के नाम पर जो कि पीटीआई ने नाम लिया था, लेकिन एक बार फिर से यू टर्न हमें नजर आया और आज जो है पीटीआई कह रही है कि हम नासिर खुदा साहब का जो नाम है वो वापस लेते हैं जबकि उन्होंने खुद ही नाम दिया था। अब अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं, महमूद रशीद साहब कह रहे हैं कि मसला ये हो गया है कि वो नाम तारिक था, तारिक से वो नासिर कैसे बना, नासिर बन के वो जो है वो कैसे रजामंदी भी हो गई, इतनी जो डिस्कशंस भी हुई हैं, इतनी सिटिंग्स भी हुई हैं सीएम पंजाब की और जो अपोजिशन लीडर है वहां पर उनके दरमियान, लेकिन उनको याद नहीं रहा कि वो असल में नाम तारिक था जो कि नासिर हो गया, 24 घंटे में कह रहे हैं एक और नाम दे देंगे, ये भी एक सिचुएशन जो है काफी वियर्ड सी है, थोड़ी बात कर लेंगे। लेकिन पहले फरो एट लास्ट बारिश हो गई। मैं सिर्फ आपके ऑडियंस ने जिन्होंने पुराना प्रोग्राम नहीं देखा तो उनके लिए वो लतीफा रिपीट कर दूं अगर आपकी बिल्कुल हो। ये था कि एक कोई मलंग आदमी था जिसकी दुआएं बड़ी लगती थी और उसके पास लोग चले गए कि जो है ना सरकार बारिश नहीं हो रही तो दुआ करे बारिश हो जाएगी। उसने कहा कि जी वैसे आजकल किस्मत मुझ पे बहुत नाराज है
लेकिन बारिश एक ऐसी चीज है जो मैं बड़े आराम से करा सकता हूँ। और इसमें क्या है कि उसने बड़ी मेहनत की, अपने कपड़े धोए, मल मल के धोए, उनको पहले मैला किया, फिर धोए, फिर मैला किया, फिर धोए, और इन तमाम चीजों में एंड में जाके जैसे ही उसने सूखने के लिए बाग डाले तो उस वक्त बारिश शुरू हो गई ताकि सूखे नहीं। तो अब ये आस्पेक्ट था, मैं ये कह रहा था कि अगर वैसे हालात ऐसे हैं कि मेरे मुंह से निकली हुई बातें उल्टी पड़ जाएंगी तो इसलिए बेहतर है कि मैं वो बात कहूं जो कि जो है मुझे पसंद नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन तक जाएगी बात, लेकिन दूसरी ये होप भी रखूं कि बारिश हो जाएगी। तो अब बारिश जो है मुझे लग रहा है वो क्योंकि कपड़े धोने की वजह से छोड़ के उसके बाद धूप में डालने की वजह से जो है वो बारिश होगी, क्योंकि आप भी ये चाह रहे थे कि बारिश हो जाए। अच्छी बात है, खुर्शीद शाह साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल कहा यह जा रहा था कि पार्लियामेंट या फिर सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं कर सकते हैं। हमने ये बातें बहुत सुनी, वो नाम भी सुने हमने जो शायद हमने मुशावरत में इस्तेमाल भी नहीं किया उनका नाम, ना हमने नाम लिया, वो भी नाम हम मीडिया में सुनते आए, लेकिन आखिरकार मुशावरत भी हुई, एक नाम पे तफाक भी हुआ, वो नाम जिलानी भी नहीं है, वो नासिर मुल्क साहब का नाम है। मीडिया की रिपोर्टिंग और जो नाम आया वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि 180 डिग्री के हमें जो है डिफरेंस नजर आया चीजों में, लेकिन मैं एग्री नहीं करता इस बात से कि 180 डिग्री का, उसकी वजह है कि आपने नहीं सुना था ना। नाम लिया जरूर गया, चार नाम में कहीं पे भी नहीं आ रहा। नहीं, चार नाम थे ना उसके अंदर, पीएमएलएन की तरफ से नासिरुल मुल्क साहब का और तसद्दुक जिलानी साहब का नाम बताया जा रहा था कि वो फाइनलाइज हुआ है। उसके अंदर जिलानी साहब पे ये भी बताया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को कोई इतराजात हैं, हालांकि उन्हीं के भतीजे को जो है ये नॉमिनेट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। लेकिन उसके बाद जहरी बात है ये याद रखेंगे, हमने माजी में भी चॉइसेस इसी तरह से होती देखी है डॉक्टर साहबा के, दो दो नाम आते हैं और उसके अंदर जिस पे ज्यादा बात हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और जो दूसरा नाम होता है ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है तो वो आराम से हो जाता है। जब उन्होंने अपना ही, पीपल्स पार्टी ने एक नाम तो अपनी पार्टी वाला ही दे दिया ना जका अशरफ साहब का, तो उसके बाद आपको पता था अब तीन नाम रह गए, उनमें से एक नाम बहुत जूनियर थे तो शायद उनकी वजह से नहीं हो रहा था। जजेस के ऊपर आया तो उनमें से नासिरुल मुल्क साहब का नाम फाइनल हुआ, उनके इस कंधे पे हुमा जाके बैठा है और उसके बाद अब वो वजीर आजम होंगे। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जितने नाम आए हैं जका अशरफ साहब के बारे में मैंने कहा था मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट ही इज पार्टिजन, और पार्टिजन जो हो उसका मसला हो जाता है। अदरवाइज खवातीन और हजरात की जो भी लिस्ट आई उसके अंदर डॉक्टर साहबा मुझे एक नाम भी ऐसा नहीं लगा जिसके ऊपर मैं ऑब्जेक्शन कर सकूं। तो नासिरुल मुल्क साहब का तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक बात बता देता हूं, आप और हम यहीं पे काम कर रहे थे धरने के दिनों में, बार बार अटैक होता था और पीटीवी पे भी अटैक हुआ था। उस जमाने में दो शख्सियात का किरदार बहुत खास तौर पे गौर से देखा जा रहा था, एक जस्टिस राहिल शरीफ, जनरल राहिल शरीफ साहब, खैर जस्टिस भी हो गए, अच्छा जनरल राहिल शरीफ साहब और जस्टिस नासिरुल मुल्क है। अच्छा उस वक्त मेरे ख्याल में इन दोनों साहिबान की मैटर को कॉग्निजेंस में लेने की वजह से और पाकिस्तान में जमहूरियत बच गई और पाकिस्तान के अंदर वो जो खलफशाद चल रहा था वो कम अज कम द कैन वॉज टेक डाउन द रोड, तो उस वजह से मैं इन दोनों को अपना हीरो मानता हूँ। वजीर आजम शाहमासी साहब ने भी यही कहा कि ये ऐसी शख्सियत है, उनके नाम तो खैर खुर्शीद शाह साहब ने लिया लेकिन कहा ऐसी शख्सियत का नाम हम देने जा रहे हैं जिन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने भी लिया। लेकिन आपको याद होगा उंगली उठा नहीं सकता है लेकिन उठा लेंगे पीटीआई का आपको पता ही, अल्लाह ना करे जी उंगली उठाए, लेकिन इसका मतलब आप दुआ करेंगे कि वो लाजमन जीते, क्योंकि अगर वो हार गया तो वो हमेशा काम भी थैंक यू फॉर गेटिंग मी। लेकिन खैर अब नासिर मुल्क साहब की जहां तक बात होगी, अभी आपने धरने के दिनों की बात भी की, आपको याद होगा कि उस टाइम हाशमी साहब ने भी कुछ बातें की थी जिसमें कहा था कि इमरान खान साहब उनसे कहते थे कि चीफ जस्टिस साहब भी हमसे मिले हुए हैं तो उसके बाद वो लेंगे सुमोटो एक्शन, उसके बाद कुछ चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे एक और बात भी नासिर मुल्क साहब के हवाले से नहीं हो पाया उसके बाद सुमोटो नहीं हुआ लेकिन उसके बाद कमीशन बैठा और नासिर मुल्क साहब का बहुत बहुत रोल जो है हमने देखा, बड़ा पॉजिटिव रोल नजर आया। लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा जाए तो जहां पहले एतराजात भी आ रहे थे उसमें यह एतराज जरूर था कि गिलानी साहब को जिस बेंच ने जो है वो नाअहल करार दिया था उसमें नासिरुल मुल्क साहब भी मौजूद थे, तो ये अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सॉरी उन्होंने जो कंग्रेचुलेट किया ना वो बड़ा अमेजिंग वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि लोग बार बार देखें। उसके अंदर नासिरुल मुल्क साहब का नाम लेने की बजाय उन्होंने स्टार्ट किया इफ्तिखार चौधरी साहब से, अपना वो दुखड़ा सुनाया
कि किस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और कितना बड़ा जुल्म था और उसके बाद कहते, इसलिए मैं कहता हूँ कि नासिरुल मुल्क बहुत ऊंधा कैंडिडेट है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने कहा यार पता नहीं, अब हम सारे वी आर नॉट गेटिंग यंगर, तो मेरे ख्याल में वो जो रिटोरिकल मेमोरी है उसके अंदर बंदा कहाँ से शुरू होता है, कहीं और अमेरिका से शुरू होता है, अफगानिस्तान में पहुंच के जो है ना कहीं बॉक डाउन हो जाता है, तो वो हुआ। लेकिन बाहर कैफ देखे, मेरे ख्याल में वो कहते हैं टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, और इस वक्त जो पुडिंग है वो आपके सामने है। उसके अंदर ये दो साहिबान का मुझे ये लगता है कि कुछ जावेद हाशमी साहब की वजह से और कुछ वैसे ओवरऑल मीडिया की उस वक्त स्पेकुलेशन की वजह से इन दो शख्सियात के बारे में खाम खा नेगेटिव स्पिन आ गया। एक तो राहिल शरीफ साहब के बारे में, और याद रखें कि आमतौर पर अगर कोई एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है तो कोई बंदा एक दो पैराग्राफ में इतने छह सात दफा उसका मेंशन नहीं करता और प्रेज में, बट आई डू एंड दिस इज हु आई एम। आई थिंक दैट ही डिड अ ग्रेट थिंग, ही स्टूड अप टू इवन पीपल फ्रॉम विद इन हिज ओन साइड, राइट। और जो नासिरुल मुल्क साहब है, इनका काम ये था कि इन्होंने कमीशन बनाया, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब उस रिपोर्ट को पढ़ा गया और उस रिपोर्ट जो कमीशन के एंड में था और उसके ऊपर जब इमरान खान साहब ने मैं ना मानूं तो करना होता है ना, ही डिडंट वांट टू एग्री, फिर भी उन्होंने ग्रजिंगली एग्री कर लिया और टेक्निकली देयर वाजंट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉल्ट। तो मैं इन दोनों साहबान को रिगार्डलेस आई विल कंसीडर देम हीरोज, वेदर दे आर इन पावर दे आर नॉट, और मैं उसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स की बात आ रही है तो अभी हम हर जगह से कॉम्प्लीमेंट्स ही सुन रहे हैं। मुझे और ये बड़ी अच्छी बात है, देखिए हमने फाटा के भी देखा पहले तो वो भी मुबारकबाद, क्योंकि ना सिर्फ ये कि सुबह असेंबली से पास हो गया, स्पीड अप प्रोसेस हमने देखा है, जितनी देर हो रही थी उतना स्पीड अप, बल्कि इसके बाद जो है सदर साहब ने भी जो है उन पर साइन कर दिया, तो ये भी एक अच्छी खबर है कि आखिरकार जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। जहां ये अच्छी खबर वाले हमारे बहन भाइयों को मुबारकबाद, बहुत आपको मुबारक हो जी, हम तो पहले मुबारकबाद दे चुके हैं, हमेशा कोशिश भी करते रहे कि जल्द से जल्द जो है आपको मुबारकबाद हम दे भी सकें, तो उसके बाद प्रोसेस मुकम्मल हो गया, तो इसलिए एक बार फिर आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। जहां हमने वहां कंसेंसस देखा वहां यहां भी देखा है, मुझे नहीं लग रहा था फरुख कि कोई एक नाम ऐसा आ सकता है जिसमें वजीर आजम या फिर अपोजिशन लीडर जो है हाथ कर पाए, बल्कि इसके अलावा बाकी पोलिटिकल पार्टीज भी इतनी ज्यादा वेलकमिंग हो, तो ये नाम आ रहा है और इस पर सारी पार्टीज की बात की जाए, जमात इस्लामी की, पीटीआई की, एमक्यूएम की, या बाकी जितनी भी और पोलिटिकल पार्टीज हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, एएनपी, ये तमाम की तमाम पार्टीज ने जो है वेलकम किया, उन्होंने कहा कि ये वो नाम है जिससे हम सब अग्री हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम है सियासतदानों की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है। जी पार्लियामेंट की तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लेकिन ये जो एंडोर्समेंट्स है ना उसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि तीन टीयर है। पहला टीयर है कि जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर थे यानी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडर्स, उनकी तरफ से तो इस पे कंसेंसस हुआ और मुझे कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर कोई डाउट आएगा। पीटीआई सेकेंड टीयर है क्योंकि वो ऑपोजिशन इन एब्सेंशिया है, इट इज दी ऑपोजिशन इन एग्जाइल, वो कहते भी है कि हक हमारा बनता था कि ऑपोजिशन लीडर हमारा, और उनकी आज तक जितनी भी एंडोर्समेंट्स हैं मैं अब क्या बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखें अपने सीएम के नॉमिनी को जो है ना उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, और इधर से पंजाब के अंदर भी आप देख लें कि अब इतना बड़ा जो है मिस्टेक कि तारिक साहब दोनों भाई हैं लेकिन फिर भी चेहरे डिफरेंट हैं उनके, उनकी शख्सियत डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज कर गए, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो उनके एंडोर्समेंट प्रोविजनल होगी। जो बाकी सारी पार्टीज हैं उनका मसला ये है कि वो डायरेक्टली इस सारे प्रोसेस में स्टेक होल्डर नहीं थी, और अगर खुदा ना हस्ता कल को वो ना जीती तो वो इस तरह की कंप्लेन नहीं करेंगी जैसे पीटीआई करती है। ठीक है, आपको पता है कौन करेंगे, आपको पता है इमरान खान साहब करेंगे अगर वो ना जीते, और कादरी साहब आ जाएंगे कहीं से एकदम मशरक की आवाज चलेगी, मगरिब से आ जाएंगे। ठीक है, हवाएं तो, बता तो रही हैं कि वो आ रहे हैं, हवाएं अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं आ रहे, कह तो रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। कॉलर को शामिल कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद इस्माइल बालाकोट से कर रहा हूँ। इस्माइल मेरे में आपका प्रोग्राम तो सुनता हूँ, दिन में होता था, अब रात को है, इस्माइल साहब ये रमजान की वजह से अब रात को हो गया ना, मुबारक की वजह से। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब को तो कुछ भी पसंद नहीं है ना, वो ऐसा शख्स है कि उसकी मर्जी के खिलाफ जो भी होता, आप पंजाब का नाम उसने खुद लिया था, नासिर खोसा साहब का, वो मेरे साथ ये कह दिया कि ये मेरा प्रिंसिपल छत्तीस है, इसी बात पे उसने कहा कि ये तो नाम हमने गुस्सा लिया था। वो अभी बिल्कुल बिल्कुल जी भाई, नासिर साहब के बारे में भी यही कहना है
कि ये भी ठीक आदमी जिस तरह ने वो साबक जो सिंध के थे इलेक्शन कमीशन से खुद उनका नाम पॉइंट किया जब ये इलेक्शन हार गया कहने लगा ये भी ठीक है, इसके सामने कोई चीज ठीक नहीं है। ठीक है बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, बिल्कुल ठीक है आपकी कॉलम में शामिल के लिए, कॉल कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बात से बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। मेरे नाम की फाइनल वर्ड से बात करनी है जी, आप बात कीजिए जी, आप ऑन एयर हैं तो आप बात पूरी कर लीजिए। हुक्म इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुस्तक हो चुके हैं, जो सब पार्टियां जो भी हैं जी, लेकिन उजाला का जो मसला है ये मुस्तक नहीं हो रहा जी आई वाले। सही है, बिल्कुल सही है, ये सवाल आपका अच्छा है, लेकिन फिर ये याद रखेंगे यू हैव टू, हम मजाक बहुत करते हैं पीटीआई के बारे में, लेकिन रिलेटिवली कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज वो न्यू किड ऑन द ब्लॉक है, तो विल हैव टू कट देम सम स्लैक एज वेल, थोड़ा सा ये ग्रेस मार्क्स दे दीजिए कि बाहर के एफ इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन बाहर हम वी आर गोइंग टू, हम अभी बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। बिल्कुल, चलिए कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, सुभाष असेंबली के बारे से बात करते, फिर मैंने कुछ देर डिलिमिटेशन के हवाले से भी बात करनी है। पहले मुझे ये बता दीजिए, तीन सुभाष असेंबली में अगर बात की जाए सुबह सिंध की, केपीके की, या फिर अगर बात की जाए बलोचिस्तान की, तो हमें कोई इत्तफाक नजर नहीं आ रहा, बल्कि बलोचिस्तान असेंबली की बात की जाए तो वो तो चाह रहे हैं कि एक महीना डिले हो जाए इलेक्शन के हवाले से, आज बिल्कुल हाँ आज इस हवाले से कागजात पेश भी कर रहे थे और वो अगस्त में कह रहे हैं कि वो हो जाए। मुझे लॉजिक बड़ा प्यारा लगा, वो हज पे जाना है ना? हाँ, पूरे पाकिस्तान में जाना है हज पे, अक्सर लोग जाना चाहते हैं, भाई जाना तो चाहते हैं, जाते हैं सारे जा रहे हो, मतलब इतनी भी कम पॉपुलेशन है बलोचिस्तान की कि वो जो है वो जो छोटा सा कोटा है पाकिस्तान के लिए। खैर बाहर गए, देखिए कल से कुछ मसाइल जो है वो जरा सीरियस हो गए, लोगों को नहीं अंदाजा हो रहा कि डिलिमिटेशन का जो इशू है वो कितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि डिलिमिटेशन की बात सारे के सारे लोग कहते हैं ना, हमारे बहुत सारे लोग कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कोर्ट्स के गले में डाल देते हैं बात के, कोर्ट्स चाहेंगे कि डिले हो जाए, कोई मामला खराब हो जाए, लेकिन असल में ये मामला नहीं। पैनामा भी आपको याद हो जब आया था तो पहले पार्लियामेंट में जाने की कोशिश की थी, दोनों साइडों से कोई लोग थे जो सब अटैच कर रहे थे, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट में गई, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर आपको याद होगा लॉकडाउन की बात हुई थी और दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज टेकन अप अगेन एंड देन इट वाज द हियरिंग वेंट ऑन। ये जो फ्रीक एक्सीडेंट्स हैं, ये फ्रीक एक्सीडेंट्स भी शायद कंस्पिरेसी का हिस्सा होंगे, और अब तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट आ गई ना कि कोई कंस्पिरेसी होगी। अब ये हुआ है कि डिलिमिटेशन एक एक करके चैलेंज होती जा रही है, ठीक है, और आज के दिन दूसरा दिन था जी, छह हलके जी, टोटल अब 10 हलके हो गए, उनका जो है डिलिमिटेशन एक साइड पे सेट असाइड हो गया। लोग कह रहे हैं कि जी ये तो डे टू डे सुनेंगे तो ये हल हो जाएगा, अच्छा वो हो जाएगा, लेकिन आप जरा समझें कि डिलिमिटेशन किस इशू के ऊपर बेस्ड मामला है। एमक्यूएम अगर कोर्ट जा रही है तो वो सिर्फ डिलिमिटेशन के ऊपर नहीं जा रही है, वो तो सेंसस के ऊपर जाती है, आपने जो मर्दमशुमारी की उसकी बुनियाद पे वो जाते हैं। अब फिर मर्दमशुमारी का ये था कि अगर आपने एक मेहरबानी की होती, अभी सीसीआई का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ है, उसके अंदर अगर आपने एग्री कर लिया होता और रिजल्ट पब्लिश कर दिए होते तो ये मामला आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाता, आपने इसको अगली गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। और दूसरी साइड पे ये हो गया कि अगर डिलिमिटेशन वो चली जाती है उस बंद एली में जहां पे जाके मर्दमशुमारी चैलेंज हो जाती है, तो मर्दमशुमारी के प्रोविजनल रिजल्ट्स पे हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यानी कि आपको ये, यानी कि ये हो सकती है इसका मतलब, कि हमने देखा कि एक दिन चार हुए एक दिन छह हुए, तो आपको लगता है मजीद ऐसे हल्के भी हैं जो कि चैलेंज हो पाएंगे इस पर जो हाईकोर्ट और उसके बाद कोर्ट जो है 35 से 40 के करीब जो है वो पिटीशन थी जो कि हियरिंग हो रही है, जिनकी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और एमकेएम ने कहा है तो एमकेएम के मजीद आएंगे और भी बढ़ते जाएंगे, स्नोबॉल इफेक्ट होता है, लेकिन तो ये होगा क्या इलेक्शन डिले हो जाएगा, ये वही कॉन्स्पिरेसी में फिर नजर आ रही है, चाहे वो जिस तरह से भी हो रही है, लेकिन क्या वो इलेक्शन डिले हो जाएगा? अब ये है कि मैं कहता हूं कि इलेक्शन जो हमें बार बार कहा जाता है कि ऑनरेबल कोर्ट्स को जल्दी करना चाहिए, लेकिन ये याद रखें जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड,
बाद में जाकर इसमें कंटेंशन हो जाएगी। इसलिए कोर्ट से आप एक लिमिट तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इसको कितना लिटिगेट करेंगे, कितना सुनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज, एक तो ये है कि ऑनरेबल कोर्ट किसी तरह से देर वेरी काइंड और कोई फैसला इस स्पीडी जस्टिस के साथ होता है कि बिफोर इलेक्शन ये बाब बंद हो जाता है, तो ठीक है। दूसरा ये है कि इलेक्शन भी हो जाते हैं और ये बाब भी खुला रहता है, उसका मतलब ये है कि इलेक्शन के बाद दो चीजें खतरे में आ गई, डिलिमिटेशन और इलेक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी देखिए आप 10 हल्के हो गए और अगर इसी तरह की चीज बढ़ती रहती है और ये बात के 25-30 हल्कों तक पहुंच जाती है फरूख, तो मैं आपसे कह रहा हूँ 300 से ज्यादा हो जाते हैं अगर आप पूरी की पूरी मर्दमशुमारी को देख। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले इसी तरह हल्का वाइज भी करते रहे, 25-30 हल्के भी हो गए, तो फिर क्या होगा? अगर अगर एक पटिशनर भी चला गया और उसने कहा कि हल्का बंदी के अलावा मसला असल में मर्दमशुमारी पूरे पाकिस्तान की, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा, इलेक्शन डिले हो सकते हैं? नहीं, देखें इलेक्शन डिले होना की पॉसिबिलिटी तो कम इसलिए नजर आती है क्योंकि डेट जो है वो दे दी गई है। ठीक है, ठीक है। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपने वक्त में, इस सबके बाद भी जब कहा गया उनसे पूछा गया अपने वक्त में 25 जुलाई को। लेकिन अब देखें एक है कंस्पिरेसी के डिले कर दो और अनलिमिटेड डिले कर दो, एक होता है कि मैं बिल्कुल ही नहीं मूव करूंगा, दरमियान में एक और रास्ता है कि फाइन ट्यून कर सकते हैं अगर कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है ना। अल्लाह माफ करे, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, मुत्तरमा शहीद हो गई थी तो एक महीना हमने कर दिया था डिले। देखिए इस वक्त ये देखना है कि डिलिमिटेशन का जो इशू है वो सेटल हो जाए और टोटली सेटल हो जाए, ये हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, याद रखें। तो इसलिए इस चीज को अगर आपने सेटल ना किया, परसों आके जब इलेक्शन हो गया उसके दिन को जाके हुकूमत को चैलेंज करेगा, धप करके पूरे पार्लियामेंट बैठ जाएगा। तो यानी कि इस इश्यू को इसी टाइम पे रिजॉल्व होना बड़ा सब जरूरी है, वरना चीजें जो है वो खराब भी हो सकती है। कॉलर को शामिल कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं रशीद अलीपुर से बोल रहा हूँ जी। रशीद भाई हुक्म दीजिए जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये इमरान खान का क्या मसला है? अच्छा ठीक है, देखिए आपको भी समझ आ जाए तो हमें बता दी को। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, हमारे साथ डॉक्टर साहब शरारत कर जाते हैं। नहीं, मैं बच्चे सवाल करने लगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है, अच्छा मुझे लगा आप मेरी आवाज तो रिबाउंड हुई होगी। नहीं, मैं शरारत का इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन, अब देखिए ना हम जा रहे हैं इलेक्शन के फेज में, बिल्कुल, और जब इलेक्शन के मोड में जाते हैं तो आपके बायस भी होंगे, मेरे भी होंगे, हर किसी के होंगे, और मैं प्राइवेट मीडिया को भी ये बार बार कह के थक गया हूँ कि अब वी हैव टू स्टार्ट कमिंग टू द सेंटर, क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो मेरा ओपिनियन तो है ना जो है, लेकिन अवाम को तमाम मेरिट्स डीमेरिट्स पता चलना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर जितना ओपन हम बात करेंगे और जितना हर टाइप से क्रिटिकल होंगे उतना अच्छा। अब मैं किस बात पे मैंने कहा कि जब आपको समझ आएगा तो हमें बता दीगा, तो मैं वो उसका अभी क्योंकि अभी ताज़ा ही एग्जांपल हमारे सामने आई हुई है और वो पंजाब सुबह असेंबली का मैं सवाल डिस्टर्ब करना चाह रही थी, बाद में डिलिमिटेशन की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आप डिलिमिटेशन की तरफ चले गए थे, लेकिन सवाल ये है यहाँ पे। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था डिलिमिटेशन का सवाल बाद में पूछूंगी, पहले तीनों सुबह असेंबली के वाले से बड़े इतफाक क्यों नहीं हुआ, लेकिन लिमिटेशन का सवाल कर दिया। अच्छा चले ठीक, अच्छा चले पहले की आवाज में क्या बात तो करनी है। अब जरा आ जाए तीनों सूबाई असेंबली में, तो मैं इतफाक नजर आ नहीं रहा पंजाब की सूबाई असेंबली में, जहां पीएमएलएन की गवर्नमेंट है और अगर बात की जाए उनके अगेंस्ट है पीटीआई, और वहां पर इतफाक जी, मतलब ये दो वो जिनका अभी तक, तो खैर सियासत में तो कहते हैं ना कोई बात भी हर पे आखिर नहीं होती, लेकिन अभी तक जिनके बारे में कहा जाए जिनमें घुमसान की जंग नजर आती है, बिल्कुल ताज बहू का झगड़े से भी ऊपर की कोई चीज नजर आती है, वो हमें नजर लेकिन जिस तरह से वो हमें नजर आती है, लेकिन वहां इतफाक हुआ, बड़ा अच्छा लगा जी, नासिर खोता साहब का नाम आया, पीटीआई की जानिब से आया, और उसके बाद जो है गुफ्तगू होती रही, सिटिंग्स हमने देखी, अब चलती रही, फोटेज भी चलती रही, बड़े अच्छे माहौल में हमें बातचीत नजर आती रही, सारा कुछ हुआ, और हमने देखा कि सीएम पंजाब ने भी और जो है पीटीआई के भी अपोजिशन लीडर ने ये बात जो है उन्होंने कहा, नासिर खोसा साहब का नाम, आवाज आ गई, बात हो गई, टीवी पे हमने सुन लिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एकदम से आज पीटीआई को याद आया कि नासिर खोसा साहब ये क्या हो गया, पीएमएलएन ने कैसे इत्तफाक कर लिया, हुआ ये कैसे, उन्होंने कहा ये तो नाम ही नहीं था, मतलब अब रशीद साहब कह रहे हैं कि जी वो तो नाम था तारिक साहब का, नाम आप ले ले नासिर साहब का, और आप मुसलसल नासिर साहब लगे रहे, और अब आप कह रहे हैं जो तारिक साहब थे, ये अब आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं मसला, तो फिर यहाँ समझाते हैं कि मसला तो है। अच्छा मेरे ख्याल में मुझे इस बात से बहुत ही डिप्रेशन हो रहा है ये सोच के कि आप दो, यू कैन नॉट टेल टू पीपल अपार्ट, ठीक है,
यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अभी भी तो आप देखें ना, रंधावा साहब का नाम लेकर आने लगे और उनके बारे में कहते हैं मुशर्रफ साहब के बड़े करीब थे उस जमाने में, पीएमएलक्यू के करीब थे। लेकिन उस जो पिछले नाम है जो खोसा साहब का नाम है उसके अंदर तारिक खोसा साहब कॉलम भी लगते हैं, पुलिसमैन है, उन्होंने बड़े ओपनली टेररिज्म पे भी बातें की है, बड़े ही इज वेरी आर्टिकुलेट, वेरी सेन प्रोफेशनल, वेरी सॉलिड प्रोफेशनल। लेकिन आप इतना तो देख सकते हैं कि फेस कट्स मिलती जुलती होंगी, लेकिन किसके मुंह पे मूंछ है किसके पे नहीं है या किसका थोड़ा सा फर्क है, यू कैन टेल पीपल अपार्ट। एग्जैक्टली, अगर आप इतना बेसिक चीज को, नुआंस को नहीं अप्रिसिएट कर सकते हो तो फिर अल्लाह रहम करे। मेरे ख्याल में ये बहाना है और बहाने के अंदर जो है खामखा उन्होंने ये बात कह दी है। पीटीआई के अंदर इंटरनल कोई डिसेंशन चल रही है, आपको पता है फरूख जो आपने पोजीशन लीडर को, और पंजाब में जिसको आप बार बार कहते हैं आपका बड़ा मसाइल भी है सारा कुछ, आप उनको नासिर और तारिक का आपको समझ नहीं आ रही, मतलब वहां पे सब ये तो नहीं होगा अच्छा जी आते फिर कौन सा नाम दे रहे, उन्होंने कहा जी नासिर, उन्होंने कहा जी ठीक है ओके ठीक, ऐसे तो नहीं होता, बात हुई होगी, फ्यूचर के हवाले से गुफ्तगु होती है, जिस पोस्ट पे उसके हवाले से गुफ्तगु होती है, पास्ट डिस्कस किया जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी डिस्कस जाती है, इतने ऐसे में मतलब आपको क्या कहें कि आप इतने लाइलम रहे कि आपको पता नहीं चला कि किसकी बात नहीं। लेकिन आप मेरी बात शायद नहीं सुन रही, और वो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में असल में ये इशू नहीं है, असल में इशू ये है कि पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। पार्टी के अंदर आपको पता होगा कि ये देखें महमूद रशीद साहब जो है वो पंजाब के उस लेवल के हेड हैं और वो ऑपरेट करते हैं वहां पे। जो लड़ाई चल रही है पीटीआई के अंदर वो सेंटर पे है, आपको पता होगा वो जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, दीगर वालों की बात हुई थी। उसके अंदर ये जब डिसीजन लिया गया था तो कुछ लोगों ने कहा है कि हम वहां पे मौजूद नहीं थे और हम ये नहीं मानते। जब ये बात हो गई है तो उसके बाद इन्होंने रील लिटिगेट किया और बहाना जो भी इस्तेमाल कर लिया, तुम्हारी शक्ल है वैसी लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। ठीक है, मेरे ख्याल में ये आर्गुमेंट आर्गुमेंट पहले क्यों नहीं कर ली, ये पहले ही कर लेते, बाकी तीन सुबह असेंबली में तो इत्तेफाक नहीं हो पाया, आपने आखिर कोई नाम देकर ही भेजा होगा ना महमूद रशीद साहब को, पहले ही आर्गुमेंट कर लेते, पहले मसाइल के लिए तो इत्तेफाक ही ना करते। आपने फिर एक शख्सियत को मुतनाजा कर दिया, मुझे कॉलर को शामिल करना ब्रेक लेने उसके बाद डिटेल्ड में फिर उसका एनालिसिस। अच्छा नहीं, हमारे साथ ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे इस हवाले से, और उसके साथ साथ जो पांच साल कारकर्दगी रही है पीएमएलएन की उस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा 22 मगफरत है।
अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो अली मकाम वो वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही निगरान सेटअप के हवाले से, अब तीनों सूबाई असेंबलीज की अगर बात की जाए, यानी कि बात की जाए केपीके की, सिंध की और बलूचिस्तान की, तो वहां पे तो अभी तक हमें कोई इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है। और अभी तक क्योंकि सिंध की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान इत्तेहाद होना है, लेकिन इतनी मुलाकातों के बावजूद कोई इत्तेहाद नहीं हो पाया। केपीके की अगर बात की जाए तो वहां पर एक नाम हमें नजर आया था, लेकिन उसके बाद उसके हवाले से जिस तरह से बातें की गई तो आखिरकार पीटीआई ने वो नाम जो है वो वापस ले लिया। तो इसका मतलब है वहां पर भी अभी ये इशू है निगरान सेटअप के हवाले से। बलूचिस्तान असेंबली में तो अभी खेत समझ नहीं आ रहा कि वो जुलाई में जा भी रहे इंतखाबात के नहीं जा रहे, वो इसी सेटअप में अभी जो है वो उलझे हुए हैं, तो वहां पे भी हमें कोई नाम नजर नहीं आ रहा। पंजाब में हमें आखिरकार एक नजर आ गया था नाम, लेकिन वो भी आज पीटीआई ने वापस ले लिया और पीटीआई ने कहा है कि हम 24 घंटे के अंदर एक और नाम देंगे। वो जो भी नाम देंगे फरूख, क्या वो पीएमएलएन के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, तो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जो नाम सामने आ रहा है उसका तो मैंने आपको बता दिया कि उनका परवेज मुशर्रफ साहब से बहुत ज्यादा लेना देना था और परवेज दिलाई साहब से भी। एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा जबरदस्त है ना, जिलानी जिलानी पहले हो गया, अब खोसा हाँ। खोसा हो गया हाँ। उसके बाद पता नहीं यार क्या होगा, नासिर भी हो गया हाँ, तो, के नासिर वो भी हो सकता है ना, सुपरस्टिशन के दो नासिर आप पे भारी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बात नहीं हैरान कर रही है कि पोलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं कर पाई है। आपने इत्तेहाद कह दिया, इत्तेफाक होना भाई, इत्तेहाद कर लिया तो फिर शायद इत्तेहाद नहीं करना, इत्तेहाद नहीं करना, नहीं हम पे तो खत्म ही हो गया। पीटीआई पीएमएलएन एक हो गई तो फिर गए ना पाकिस्तान की सियासत। लेकिन बाहर गैप इस इत्तेफाक के अंदर मुझे ये हैरत हो रही है कि अभी तक एक काबीना कमेटी में क्यों नहीं गया, क्योंकि परसों तो अब सारी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद कौन चलाएगा? गवर्नर साहब चलाएंगे। अगर गवर्नर साहब चलाएंगे तो फिर आपको केयर टेकर की जरूरत क्या है? फिर गवर्नर के ऊपर छोड़ो भाई, ठीक है ना, मतलब इफ यू वांट टू रिस्क इट तो और बात है। लेकिन अभी आपने तीन दो और लेवल्स करने हैं और आखिरी दिन आ गया, कल आखिरी दिन है और यू हैवंट डन एनीथिंग। तो कम अज कम अगर इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ रीचिंग अ कंसेंसस, काइंडली थ्रो किक द कैन डाउन द रोड, अगला कोई आके उसको संभाल लेगा। दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। तो मुझे ये ज्यादा परेशान करने लग रहा है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी इनकोहेरेंस है पार्टीज के एस्पिरेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, और मुझे ये लगता है कि अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उसकी वजह ये है कि ताबड़तोड़ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, हर बंदे ने अपने सिनेरियो पे अडाप्ट करने की कोशिश की है। पीएमएलएन ने कहा कि हम विक्टिम हैं और हमारे खिलाफ लिटिगेशन हो रही है। पीटीआई ने कहा वो तो लाडले बन गए ना, भाई तुम लाडले नहीं हो लेकिन बन गए। हाँ, और शो भी ये करा रहे हैं ना, शो भी ये करा रहे हैं कि हम लाडले हैं। और ये जरा जाके पूछे ना किसी ओपिनियन उससे, ओपिनियन पोलस्टर से कि जी पंजाब में ये कैसे प्ले होगा, आपको पता चल जाएगा कि कहीं अच्छा नहीं प्ले होगा। फिर भी बाहर कैफ उनको बड़ी एडवाइस आ रही। मुझे अब ये लगना शुरू हो गया, हमने अभी तक पंजाब में और फेडरल में तो पीएमएलएन का लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा आसानी है उनको, लेकिन पंजाब के अंदर भी लगता है कि बड़ी आसानी से हो जाएगा क्योंकि पंजाब ही तो उनकी बेस है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों साहिबान की साइड पे कोई एक और नया सरप्राइज ना हो जाए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जिसको हमने राइट ऑफ किया हुआ है हाँ। वो रिसर्जेंट ना हो जाए, ठीक है, पीपल्स पार्टी हाँ पंजाब एग्जैक्टली उसकी वजह ये शॉक होगा हाँ। नहीं, मेरे ख्याल में शॉक भी नहीं होगा भाई, आपके जो पोस्टर्स नो आपके जितने पंडित्स हैं पिछले 10 साल में वो कह चुके पीपल्स पार्टी। बहुत बड़ी बात है ये जो भी आपने पीपल्स पार्टी वाली पंजाब में कही हाँ, तो बड़ी बात नहीं है, सीरियस बात है, लेकिन आप उसको मजाक में ले लेंगे जरदारी साहब के। नहीं नहीं, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, अभी तक जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिये बात ये है कि आप झगड़े, एक मजहबी जमात नहीं आ गई और उसने भी जो है ना 10-10, 20-20 हजार वोट लेना शुरू कर दिए। आप जब लड़ते हैं और आप ऐसा करते हैं कि एक दूसरे की पिटाई इतनी ज्यादा करें तो फिर होता है लड़ते लड़ते हो गए गुम एक की चोच और एक की तो तीसरा फायदा और तीसरा फायदा उठाता है। और पीपल्स पार्टी ये याद रखेंगे, पीटीवी कह रहा पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है
वो डिसअपेयर नहीं हो गया? नहीं, डिसअपेयर तो नहीं है, लेकिन वोटर्स की तादाद आप देखिए, अब हम अभी भी सुनते हैं या बात करते हैं तो हमें नंबर वन अभी भी पीएमएलएन नजर आती है, लेकिन नंबर टू हमें पीटीआई नजर आती है। अगर अगर ये हो गया कि आपको पंजाब में पीपल्स पार्टी नजर आई और सेंटर में पीएमएलएन, फिर क्या होगा? नहीं, सेंटर में तो पीएमएलएन मुझे नजर आती है, मतलब पंजाब में पीपल्स पार्टी, लेकिन ये हो गया तो ठीक है। आप देखें, वोटर्स की बात है, वो जिसको भी वोट दें। हम तो बताऊं हो क्या गया, मुझे कॉलर को भी शामिल, पीटीआई को क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि वो शहजादे बन के बैठे हुए हैं और वो जो है ना सहरा लगा के बैठे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में मिल मिला के बारात लेके चले गए। चले ठीक है, देख लेते जी। ये तो फरूख कह रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा पीपल्स पार्टी के वाले थोड़ा शॉकिंग तो है, लेकिन फरूख कह रहे हैं तो बाद में कुछ ना कुछ दम जरूर होगा। कॉलेज को शामिल करके मजीद बात करेंगे। तो वाले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जमशेद खान हरिपुर से बात कर रहा हूँ। बात कीजिए, फरमाइए। मैं बात यह है कि मेरा आपके मौजू से हटके एक मशवरा और रिक्वेस्ट है और जरूरी है जो मैं करना चाहता हूँ। जी, बात इस तरह है कि सर, जो हमारे साथ इस एरिया में अतार इंडस्ट्री है, अतार इंडस्ट्री जो है हर तकरीबन 300 इंडस्ट्री है, जिसके अंदर दो टू वेल हर इंडस्ट्री में कम अज कम चल रहे हैं। अच्छा, और उस हर इंडस्ट्री का इस्तेमाल शुदा पानी जो है वो नालों में जा रहा है। अगर हम जरूरत के तहत गवर्नमेंट को बोले कि दो ट्यूबवेल लगाकर हमें दो दो गरीब जमीनों के लिए, तो उसके करोड़ों खर्च हो जाएंगे। तो ये लेकिन आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका जो सवाल था वो थोड़ा सा रिलेवेंट जरूर था, लेकिन पानी के हवाले से मैंने भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में एक शो जरूर करना है पानी के, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत हो रही है पाकिस्तान में, और आइंदा पांच साल में ज्यादा किल्लत बढ़ जाएगी, तो उस पर शो जरूर करना है, सेगमेंट जरूर करना है। आप लोगों को भी कुछ चीजें समझानी है उसमें, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम इस टॉपिक के हवाले से बात करें, कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो? मैडम तारिक राठौर बोल रहा हूँ, मुजफ्फराबाद की। जी तारिक सर, रिक्वेस्ट यह है कि शहबाज जी साहब कह रहे हैं कि हमने समरी गवर्नर साहब को भेज दिया है निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए, तो क्या वो अपोजिशन की मर्जी के बगैर वो भेज सकते हैं? जी, पहले तो मेरे ख्याल अपोजिशन ने मर्जी दे दी थी अपनी, अब हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर बात नोटिफिकेशन निकल आता तो फिर क्या होता और उसके बाद अगर पीटीआई सब कुछ करती तो फिर क्या होता? नहीं, अगर इन राइटिंग इन्होंने अप्रूवल दे दी है तो फिर तो ये विड्रॉ नहीं कर सकते ना। ओके, अगर इन्होंने विड्रॉ कर भी लिया है, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर भी जो है आपके यू कैन नॉट साइन समथिंग एंड अनडू इट लेटर। ठीक है, आपने कोई मकान खरीदा, तो वैसे इन राइटिंग हो गया है, कोई है इतना इस हवाले से? अब ये देखना पड़ेगा, अगले 24 घंटे में आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। लेकिन आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, इकट्ठे कर दिए, और आप पानी का कह रहे थी, रमजान में तो वैसे ही पानी की कमी होती है ना, फील होती है, तो फिर पानी के बारे में बात भी नहीं, पानी के बारे से जरूर टॉपिक करेंगे आने वाले करेंगे। अभी क्योंकि मैंने सवाल खड़े कर दिए थे, अभी हम सुबह समझिए सवाल याद दिलाए, क्योंकि आपने 18-20 सवाल खड़े सवाल आप देते हैं। पीपल्स पार्टी के रोल के हवाले से भी बात की थी, पीपल्स पार्टी के बारे में ये नहीं कह रहा कि जो है ना वो जीतने वाले हैं या कुछ हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि पीटीआई भी उसी तरह की वॉयसेस को सुनना शुरू हो गई है, स्पेकुलेशन की, जिसकी विक्टिम पीएमएलएन रही है। क्योंकि पीएमएलएन को मुझे ये पता है, क्योंकि यहाँ बैठ के हम बड़ा करीब से देखते रहे, साथ ही तो पीएम ऑफिस है, तो ये देखते थे कि हर दो मिनट बाद कोई ना कोई कहता था फलां तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वो बाहर वाला नहीं कर रहा, अंदर वाला भी कर रहा है। जब इस तमाम चीज को आप देखते थे तो आप थोड़ा सा परेशान होते थे कि इनका शेडो बॉक्सिंग शुरू हो जाएगी। पीटीआई का जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है और अब पंजाब में हुआ है, दैट मींस कि दे आर वर्रीड अबाउट समथिंग। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड साइन। और उसकी वजह यह है कि आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अब संजीदा तरीके से एक नैरेटिव, एक डायरेक्शन के साथ जाना चाहिए। अगर ज्यादा करोगे, मिसाल के तौर पर पीटीआई ने बहुत उमदा काम किया था, हमने तारीफ की थी, आज फिर करूंगा, असद उमर वाला जो 100 दिन का जो है प्लान के अंदर, खासतौर पर हाउसिंग का और जो जॉब्स का, कि 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, जो कुछ हो कम से कम फोकस ले आया वो बंदा इस चीज पे। उससे पहले आप और हम बैठे हुए से बोल रहे थे, बाकी तो कोई बात ही नहीं करता है। अब ये है कि आप उस डायरेक्शन में तो जाए ना, लेकिन आपने फिर और कंफ्यूजन फैलाना शुरू कर दी। जब आप इफ यू आर ऑल ओवर द प्लेस एंड देन आपकी कोर कमेटी के अंदर एक साहब के बारे में ये सवाल किया जाता है कि वो ये एटीएम मशीन जो है अब तो डीलिंग भी हो गई है तो यहां क्यों बैठी हुई है,
तो वो सवाल बनता है। और इसलिए भी बनता है ना फारूक, क्योंकि आप उन्हीं के साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि जी एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने नाइल कर दिया तो वो एक पार्टी का सरबराह कैसे है, फिर ये मसला खत्म हुआ तो पार्टी से मुशावरत भी क्यों करती है, और वो साहब आपके साथ खड़े होते हैं। मसला जहांगीर तरीन से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपका लीडर बात कर रहा है किसी और के बारे में, वो अपने साथ क्यों नहीं। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? इलेक्शन तो भाई हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्शन के बाद कोई जीतेगा कोई हारेगा। अब आप ये परसेप्शन लेके जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम आपके जहन को पल्यूट कर दिया था कादरी साहब ने धरना पे आके एक महीना बैठ के, वो प्रोपेगेंडा करते थे, हम कहते थे कुछ कर नहीं रहे, बोल रहे हैं ठीक है, बोलते रहे, हम सुनते नहीं थे, और बाकी पीटीआई का एक एक बच्चा सुन रहा था, और उस प्रोपेगेंडा की वजह से चार महीने का धरना हो गया, ठीक है। अब मामला ये है कि ऐसे वक्त में आप कर क्या जाते हैं? आप उन लोगों के खिलाफ एक्ट कर जाते हैं जो कि आपके मुल्क के बहुत पिवटल वो है, स्टेक होल्डर्स है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा वो जुराबें और दुपट्टे और कमीजें जो लटकी होती थी सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड के ऊपर चार महीने के धरने में। अच्छा, इसी तरह से फौज के बारे में भी आपने पता नहीं क्या कुछ क्या नहीं, सब के बारे में तो क्या, ये जो अभी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है या बात की जा रही है या इस तरह अफवाहें थेरी कहते हैं कि इस तरह की जा रही है, कि मैं भी पहले बात के लिए तो बताया फिर कॉन्स्पिरेसी है या थेरी है। कहा यह जा रहा है कि कादरी साहब जो है वो दोबारा आ रहे हैं, कादरी साहब दोबारा से जो है वो केस री ओपन करवाने की कोशिश करेंगे मॉडल टाउन वाला, और इसकी वजह से जो इलेक्शन है वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। अब मुझे बता दीजिए ये थेरी है या कॉन्स्पिरेसी है या सिर्फ अफवाह है या फिर वाकई इसमें कुछ सदाकत है, रियलिटी है? नहीं, अगर बाकी इस तरह से इलेक्शन डिले कराने होते तो फिर एक तो बात यह है ना कि वो केस भी खुला तो दो बंदों तीन बंदों के खिलाफ होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पनामा का रिजल्ट आएगा तो वो फैसला आएगा तो उसके ऊपर इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? मियां साहब के ऊपर होगा, उनकी बेटी या उनकी फैमिली पे होगा, बाकी किस पे होना? तो अब उस सारी की सारी चीज में क्या इलेक्शन डिले हो सकते? नहीं हो सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एक तो बात ये, यानी कि आप ये कह रहे हैं लिमिटेशन वाले इशू पे भी आपको लग रहा है कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे अगर अभी कार्रवाई कर ली गई? आप लिमिटेशन का ये कह रहा हूँ कि मैं लगातार कहता रहा हूँ कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, लेकिन डीलिमिटेशन इतना सीरियस इशू है कि जब से मैंने पढ़ा है मेरा दिमाग घूम गया है कि 5-10 दिन आगे पीछे हो भी गए तो कोई मसला नहीं है। उसकी वजह है कि आप इसको नहीं करते ना, स्टेशन टाइम है, इसको रिजॉल्व नहीं करते हैं और आप इलेक्शन में चले जाते हैं, कोई ना कोई आएगा उसको चैलेंज करेगा और आपकी पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दिस इज ओनली सेकेंड सिविलियन टू सिविलियन ट्रांजिशन, अगर उसको किसी ने सबोटाज कर दिया, और खासतौर पे जब मुल्क का पैसा लग गया, आप और मैं बाहर जाके वोट डाल के आ गए, इतनी मेहनत के बाद एक हुकूमत बन गई और फिर उसको आपने जो है वो नलिफाई कर दिया तो कबाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि डिले हो सकते नहीं हो सकते मेरे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डिले अगर करना पड़ता है ना इसके कंसिक्वेंस में तो 5-10 दिन कोई बहुत बड़ी बात, 5-10 दिन या फिर 20 दिन डिले मसला नहीं है, मसला ये कि इलेक्शन होने के बाद उसको नलिफाई ना कर। एग्जैक्टली। और दूसरा कादरी साहब वाली जो बात है, अगर कादरी साहब वाले काम से इतना सिंपल होता तो भैया फिर ये हज की कहानियां ना बताई जा रही होती, अब तो कहानियां बनाई जा रही है ना, ये कहानी जब एक्सेप्टेबल भी हो सकती है। कॉलर को शामिल कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं पिशावर से बोल रहा हूँ। नाम बता दीजिए भाई अपना। नाम तो मेरा मुजाहिद है। मुजाहिद जी, का क्या होगा जी, एक नाम लेते हैं तो दूसरा नाम आते हैं, अब क्या करेंगे? केपीके का ये मंजूर अफरीदी का नाम दिया अभी पता नहीं, तो वापस ले लिया जी मंजूर अफरीदी साहब का नाम, तो खैर बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं केपीके का क्या होगा, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? इब्राहिम बोल रहा हूँ मैं, इस्लामाबाद से। जी इब्राहिम साहब, ये पता करना था कि ये जो आज उन्होंने नगराम वीराला जो था उसके ऊपर वो पीछे हट गए, ये क्यों ऐसे किया? हालांकि पिछले हफ्ते इन्होंने जो उस पर किया था वो कर रहे थे ना, इमरान खान आकर जिसके ऊपर लानत भेजी थी उसी में बैठे हुए थे, तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। देखें देखें, माफ कीजिएगा, आपके सवाल तो सही है, रेलेवेंट है, हालांकि उसका जवाब दे दिया, लेकिन ये जो पार्लियामेंट वगैरह वाली बुरी यादें हैं ना, अगर किसी ने उसको बुरा भला कहा तो फिर रिपीट ना क्या करें, उसकी वजह ये है कि हमने तहजीब को फैलाना है ना, बदतहजीबी को थोड़ी फैलाना है। अगर किसी ने गलत किया तो उसको सेंसर करें, सेंसर भी अंग्रेजी वाला दूसरा, यानी कि कंडेम करें और फिर मूव ऑन, ठीक है। बहरहाल वो गए ना, ये पार्लियामेंट की फतह है कि वहां पे बैठे हुए थे, ये इमरान खान साहब की फतह नहीं, चाहे जैसे भी बैठे हुए थे और जाके उन्होंने फरमाइश करते हुए जितने भी तीर अपने आप को मार लिए, लेकिन बाहर कैफ उन्होंने वहां गए तो सही,
आगे भी उसी पार्लियामेंट में पाटा के लिए गए और ये क्योंकि उनके अपने मंशूर जो 100 डेज का प्लान बनाया प्रोग्राम बनाया उसमें भी ये था खैर ये काम यहीं पे हो गया। अच्छी ये बात हुई है टाइम क्योंकि कम है लेकिन थोड़ी सी बात मैं करना चाह रही थी वो कल भी इंशाल्लाह करेंगे। 5 साल का दौरे हुकूमत जमहूरी दौर जो है वो इस्तम वजीर है कल लास्ट डे है और उसके बाद जो है निगरान सेटअप आ जाएगा। मैं अब पार्टी वाइज से नहीं पूछ रही टाइम का मैं कल पूछूंगी वैसे ओवरऑल देखें 5 साल का दौरे हुकूमत आपको कैसे लगा? अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुकम्मल जैसे आपका अल्हम्दुलिल्लाह सही है और आगे आगे पूछे मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि आखिरकार जो है अल्लाह की बिल्कुल पूरा जो 5 साल है वो मुकम्मल हुए। अच्छी बात ये हर वक्त ही मतलब एक धड़का लगा रहता था कि अल्लाह ताला खैर धड़का आज भी है अच्छा कल सुरंग ना निकला तो क्या होगा है ना ये होता है। देखिये बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर मामला ये हो गया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक हो गए। हमारे सरप्राइज सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो फौज का है जिसके बारे में कहते थे कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है वो हमेशा डिक्टेटरशिप लाता है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है बनिस्बत दो चीजों के। एक तो परवेज मुशर्रफ को सेहरा बहुत सारा बांधे जाते हैं तो एक है कि मीडिया को आजाद किया मीडिया को आजाद तो कर दिया लेकिन वो यजूज मजूज की तरह किया वो सारी चीजें चाट जाते हैं। मीडिया जो है आज के दिन पता नहीं कहां से जमहूरियत के लिए इतनी नफरत पैक करके फैला है कि वो फौज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक लगती है और इधर से मीडिया जो कि डेमोक्रेसी का एक वैनगार्ड है वो जो है अंडरमाइन करता है रोजाना चीज को बात के बतंगड़ बनाना कंफ्यूज करना बाकी चीजें करना। और 5 साल में यकीन माने पाकिस्तान के अंदर कोई 20-25 तो माशाल्लाह लग गए हैं और पाकिस्तान के अंदर जनाब वो कोई खूनी इंकलाब जो है 80-90 तो वो आ गए हैं। एंकर साहबान को एक एक करके वजीर आजम पाकिस्तान का बनाया गया है और बहुत सारे अच्छा ये भी कहा जा रहा था ये स्पेकुलेशन भी कहा गया था कि कुछ मीडिया के लोग गए हैं बड़ी रिक्वेस्ट भी की है कि हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया जाए या हमें कहीं पे कोई मिनिस्ट्री दे दी जाए ये इस तरह की बातें हैं जो बहुत ज्यादा गर्दिश करी थी और आप ही लोगों के पास हैं जो अथॉरिटीज हैं उनके जरा नहीं एक्सप्लेन करते हैं मुझे के पास गए कुछ लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास गए जो जो जहां जहां उनको लेकिन अभी क्योंकि स्पेकुलेशन है तो मैं इस पे वो हतमी राय नहीं दे सकती लेकिन आप ही बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा ये जो नई काबिना का तयन है ये तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर करता है ना तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं गया कोई बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये सवाल ये पूछा गया था तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम है वो करेंगे तो हमारे पास आप भी जाएं हमसे बात कर भी लेते नहीं कर सकते। लेकिन वैसे एक बात है दरखास्त करूंगा 3 हुकूमतें हमने देखनी परवेज मुशर्रफ की हुकूमत से आखिरी दिनों में हुकूमत का पता चलता है कि वो किस चीज की बनी हुई परवेज मुशर्रफ बहुत माइटी पावरफुल अगले आखिरी साल के अंदर उन्होंने सारे का सारा वो कर दिया काम खराब कर दिया सारे चमचे इकट्ठे कर लिए वो टेलीविजन पे आज भी बैठे हुए ठीक है ना उन्होंने अपना काम खराब केस खराब कर लिया लॉन्ग टर्म रिवाइवल के ऊपर भी पीपल्स पार्टी चाहे जितनी बुरी थी क्योंकि सदर भी बैठा हुआ था उनका उन्होंने ठंडा वो जो होता है ना टाइटैनिक के अंदर सीन है कि जहां पे टाइटैनिक डूब रहा है तो माँ अपने बच्चों को दवाई देती है कि जाके सो जाओ ताकि कम से कम तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं होगा तो वो पीपल्स पार्टी ने कम से कम जो है कोई भी गुस्सा नहीं निकाला। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसमें गुस्सा 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 और पीएमएलएन का तो दरखास्त ये है कि वे अच्छी मेमोरी छोड़ के जाएं ताकि हर बंदा चाहे कि अगले ये चाहते ना कि आप लोग ने हमारे लिए कौन सी अच्छी मेमोरीज छोड़ी हैं जो मतलब वो बात वही वाली बात है कि गुस्सा उनका जाहिर है लेकिन बाकी नहीं वो मीडिया से गुस्सा आप निकाल रहे हो तो और बात है लेकिन मीडिया के जरिए आवाम भी तो देख रही है ना। ट्रू 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 ठीक है फरूख टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है इंशाल्लाह कल बात जरूर करेंगे 5 साल दौरे हुकूमत के हवाले से बात भी करेंगे। वैसे क्योंकि एक मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि 30 सेकंड है तो अभी वैसे क्या लग रहा है जो आज का माहौल है कि आपको जो 2018 का इलेक्शन है वो कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है बस ये मैं मुझे आपको मैं 30 सेकंड नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं और ये झूठ नहीं है आप मेरे सारे कॉलम्स पढ़ लें सन 2000 से लेके आज तक इलेक्शंस के बारे में जिसके बारे में मैंने जो लिखा है मोर और लेस वही हुआ है। इसके दो मतलब हो सकते हैं या तो मुझे बहुत कुछ पता है या फिर पाकिस्तान की आवाम कोई बात सुन लेती है मेरी मेरे ख्याल में इट इज द लेटर एक्सप्लेनेशन इज द बेटर एक्सप्लेनेशन और इस दफा पहली दफा डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि मैं छुट्टी लेके मुल्क से किसी और मुल्क में रिपोर्टिंग की किसी असाइनमेंट पे चला जाऊं ताकि ऐसे वक्त में मैं ये ना कह रहा हूं कि फलां हुकूमत में आएगा उसकी वजह
कि मेरा मैं हूँ कॉन्शियंशियस, अगर मैंने किसी को सपोर्ट कर दिया ना तो फिर मुझे 5 साल तक उसके लिए डंडे भी खाने पड़ते हैं। ठीक है, और मैं डंडे खा खा के इतना तंग आ गया हूँ कि पुत्र इस दफा तुम डंडे खाओ, मैं वापसी करना चाहता हूँ। ठीक है ना, इस दफा मैं डंडे खा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो पता क्या है, जीतने वाले जो है ना उनको जो लोग होते हैं ना कैसे हो जाएंगे, जो लोग 5, 10, 15 दिन, 20 दिन महीने का भी डिले हो जाएंगे। आप फिर एक काम करें ना, वो लिफाफे ले आए और मुझे टेबल पर बिठाए और फिर मैं उनमें से निकाल के आपको दे दूं। हो जाएंगे टाइम, अलग सवाल है यहाँ पे। शायद ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन जीतेगा, ये सवाल है कि क्या महीना भी डिले हो जाए लेकिन इलेक्शन हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये अगर आप जो है ना इसको जो मसाइल आपको बताया उनको यू टेक इट देम इनटू कॉग्निजंस तो क्यों नहीं होंगे। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर चाहते हैं कि हो जाए। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम का एग्जाम करें। थैंक यू सो मच फरुख नाजी, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल। हाफिज़।